हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे रदरफोर्ड का या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे कि रदरफोर्ड ने कैसे परमाणु के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें बताई। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया या एक प्रयोग किया, उसको क्या बोला जाता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उसने क्या किया, एक सोने की पतली ही झिल्ली ली जिसकी जो थिकनेस थी वो अराउंड 100 नैनोमीटर थी, और उस पे उसने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करवाई और उसने कुछ प्रेक्षण ऑब्जर्व किए या कुछ ऑब्जर्वेशन लिए। उसके आधार पर उसने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए परमाणु के रिगार्डिंग, तो वो वन बाय वन करके अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार, बौछार की सोने की पतली पन्नी पर, और जो सोने की पतली पन्नी थी उसकी थिकनेस या उसकी जो मोटाई थी वो तुम्हारे पास में कितनी थी, 100 नैनोमीटर, और कुछ जगह ये लेता है ऐसा भी लिखा होता है ना, 0.00004 सेंटीमीटर। तो उसने क्या किया, एक थिकनेस एक सोने की बहुत ही पतली परत ली, उस पे उसने अल्फा कणों की क्या करवाई, बोछार करवाई। तो देखो उसका जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो कैसा था, मान लो मेरे पास में ये कोई एक ऐसा बॉक्स है, या मैं इसको बोल सकता हूं अल्फा कणों का क्या है तुम्हारे पास में, स्रोत है। तो ये क्या है, अल्फा कणों का स्रोत है ना, जहां से तुम्हारे पास में क्या हो रही है, अल्फा किरणें निकल रही है। उसके बाद में उसने क्या किया, एक पतली ये क्या है, लेड की प्लेट ली उसने है ना, उसके थ्रू इन किरणों को क्या किया, पास किया, और इनकी बोछार किस पे करवाई, एक सोने की पतली झिल्ली पर या एक पतली पन्नी पे करवाई है ना। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, अल्फा कण है। आप इस पतली पन्नी को क्या किया उसने, या तो फोटोग्राफिक फिल्म अपन बोल सकते हैं, या फ्लोरोसेंट प्लेट बोल सकते हैं, या तुम्हारे पास में क्या बोल सकते हो, जिंक सल्फाइड की कोटिंग वाली एक प्लेट ली, इसको जनरली क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट, और इस पे किसकी कोटिंग होती है, जिंक सल्फाइड की, ZnS कोटेड होती है ना। आप इसमें क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें से कुछ किरणें, मिस मोस्टली किरणें क्या हो रही थी, इसको डायरेक्टली पास कर जा रही है, या इस पतली झिल्ली को क्या कर जाती है, उसको पार कर जाती है। तो यहां पे अधिकतम अल्फा किरणें टकरा रही है ना, मिस मोस्टली या मोस्ट मिस अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 99.9% अल्फा किरणें कह रही है इस झिल्ली को पार कर जाती है ना, और उनमें से ओनली कुछ क्या हो जाती है, खुद के पद से विक्षेपित हो जाती है ना, मीन्स खुद के पद से विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है, और बहुत ही कम किरणें ऐसी होती है, मीन्स 20,000 में से एक किरण ऐसी होती है जो क्या होती है तुम्हारे पास में 180 डिग्री पर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, विक्षेपित अल्फा किरणें हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या थी, सोने की पन्नी भी लेते हैं, बोलते हैं बहुत सारी जगह इसको परत भी बोला जाता है, या गोल्ड फॉइल होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 100 नैनोमीटर होती है, और बहुत सारी जगह इसको 0.0004 सेंटीमीटर भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। दोनों ही डेटा क्या है, सही रहते हैं, सही है।
तुम्हारे पास में। तो ये एक सिंपल सा तुम्हारे पास में क्या किया, उसने अल्फा कणों का स्रोत लिया जिसकी बोछार एक सोने की बहुत ही पतली परत पे करवाई और वहां से उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो अल्फा कण या अधिकतम अल्फा कण है इस परत को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो कुछ डिग्री या कुछ एंगल से या कुछ कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। और 20,000 में से एक ऐसी किरण होती है जो क्या हो जाती है 180 डिग्री पे क्या होती है, वापस घूम जाती है, है ना। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, अल्फा किरण है, है ना। तो ये सिंपल सा एक तुम्हारे पास में क्या था, रदरफोर्ड का पार्किंसन प्रयोग था। इसी प्रयोग के आधार पर जो इसने यहां पे ऑब्जर्वेशन लिए, उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले या कुछ रिजल्ट्स बताए और उन रिजल्ट्स को यूज करके ही क्या दिया गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया, है ना। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के अपन क्या देखते हैं, प्रेक्षण देखते हैं या इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे। तो इसके मेनली तीन ऑब्जर्वेशन थे तुम्हारे पास में। एक तो क्या हुआ, मोस्टली जो अल्फा किरण है वो क्या है, डायरेक्टली विदाउट विक्षेपण या विदाउट रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है, परत को पार कर जा रही है। एक ऑब्जर्वेशन तो उसका ये था। सेकंड उसने क्या देखा कि कुछ किरणें मींस बहुत कम होती है, वो क्या होती है, विक्षेपित होती है किसी एक एंगल से, और बहुत ही कम किरणें मींस 20,000 में से ओनली एक किरण ऐसी थी जो क्या हो रही थी 180 डिग्री पे क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी, या वो जिस पथ से आती है उसी पथ पे क्या हो रही थी, वापस जा रही थी, है ना। तो यहां से ये तीन उसने ऑब्जर्वेशन लिए, इन तीन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कुछ रिजल्ट्स बताए, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके प्रेक्षण अपन देखते हैं, प्रयोग के प्रेक्षण, है ना, या ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन तो सिंपल सा है कि अधिकतम अल्फा किरणें सोने की परत को पार कर जाती है। पहला प्रयोग तो ये था, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ और अधिकतम अल्फा किरणों के भी ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो 90.99% किरणें, है ना, 99.9% किरणें क्या होती है, पार कर जाती है। कुछ किरणें छोटे एंगल से, छोटे कोण से विक्षेपित होती है, है ना। और तीसरा उसमें क्या बोला, बहुत ही कम अल्फा किरणें, कितने में से, 20,000 में से एक, है ना, क्या होती है, 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होती है। विक्षेपित होती है, ये उसके क्या थे, प्रेक्षण थे या उसके ऑब्जर्वेशन, तीन ऑब्जर्वेशन ने मेजर किए। अब इसकी बात करते हैं अपन सेकंड क्या, निष्कर्ष। मींस रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसके क्या निष्कर्ष उसने बोले, तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि अधिकतम अल्फा किरणें सोने की परत को पार कर जाती है, इसका मींस अपन क्या बोल सकते हैं कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या होता है, खाली होता है। पहला तो उसमें क्या लिखा उसने, परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है, है ना। उसने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये निष्कर्ष बताया। सेकंड उसने क्या बोला, देखो सेकंड उसका ऑब्जर्वेशन क्या था,
कि कुछ किरणें छोटे कोण से क्या होती है, विक्षेपित होती है। अब देखो अल्फा किरणें जो होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, हीलियम आयन होता है, या धनावेश क्या होता है, हीलियम आयन होता है। तो देखो हीलियम आयन पे क्या है, धनावेश धनावेश है, और कोई चीज प्रतिकर्षण कब होगा, जब उसपे क्या होता है सेम प्रकार का क्या लगता है, आवेश लगता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो परमाणु में जो क्या होता है धनावेश जो उपस्थित होता है उनके बीच में क्या होता है प्रतिकर्षण लगता है, अल्फा कण परमाणु में उपस्थित धनावेशों के बीच में, है ना। तो यहां से ऐसा बोला जा सकता है कि परमाणु में उपस्थित जो धनावेश है वो किसी एक बिंदु पर क्या होता है केंद्रित होता है, परमाणु में उपस्थित धनावेश एक बिंदु पर केंद्रित होता है। क्या होता है एक बिंदु पे क्या होता है केंद्रित होता है, एक ही बिंदु पे क्या होता है वो प्रेजेंट होता है ना। और उनमें से अपन ने थर्ड एक्सपेरिमेंट थर्ड उसका क्या था कि 20,000 में से एक किरण क्या हो रही थी 180 डिग्री पे क्या हो रही थी वापस जा रही थी। मीन्स ये जो जहां पे धनावेश क्या है तुम्हारे पास में केंद्रित है वो भाग क्या है तुम्हारे पास में बहुत कठोर होता है, है ना, जिसको अपन क्या बोलते थे बाद में आगे चल के क्या बोलते हैं नाभिक बोला जाता है, है ना। तो यहां से थर्ड जो इसका निष्कर्ष था वो इसने क्या बोला कि धनावेश भाग भाग बहुत कठोर होता है, है ना। ये उसके कुछ तीन निष्कर्ष थे। अब यदि इसको अपन डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो डायग्रामेटिकली तुम समझ सकते हो उसको एक बार। मैं यहां पे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये तुम्हारे पास में कोई एक सोने की क्या है पतली परत है, ये एक अपन कंसिडर कर रहे हैं सोने की परत, इसपे क्या कर रहे हैं अल्फा कणों की बोछार कर रहे हैं, इसमें से कुछ कण तो क्या होते हैं निकल जाते हैं बाहर अधिकतम, अल्फा कणों की बोचा कुछ कण क्या होते हैं थोड़े से क्या हो जाते हैं पथ से विक्षेपित, कम कोण से क्षेपित, ये तीनों क्या हैं अनडिफ्लेक्टेड या बिना विक्षेपित हुए क्या हो रहे हैं सोने की परत को पार कर जा रहे हैं। इनमें से ओनली एक कण क्या है वापस 180 डिग्री पे क्या हो जाता है तुम्हारे पास में घूम जाते हैं, है ना। और भी तुम बना सकते हो। तो ये इसके तीन प्रयोग थे कि एक तो वापस घूम जाता है, बाकी अधिकतर क्या होता है बाहर निकल जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं कम एंगल से या कम कोण से क्या होता है विक्षेपित होते हैं। तो ये बात हुई तुम्हारे पास में रदरफोर्ड के परकिंडन प्रयोग के बारे में, कल अपन डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का, मीन जो परकिंडन प्रयोग किया उसी के आधार पर अपन रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई वो कल डिस्कस किया जाएगा। तो जिन बच्चों के हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।